कैथल में 24 तारीख को एक वारदात को कई दिन हो चुके हैं। डबल मर्डर की इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है और इसी के बाद डीएसपी विवेक चौधरी ने जानकारी दी है कि जिस कातिल ने डबल मर्डर घटना को अंजाम दिया था उसके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगा दिए गए हैं। जी हां, और आपके लिए ये जानकारी है, आप भी हो जाइए सावधान। जी हां, उस कातिल के पोस्टर अब सभी जगहों पर लगा दिए गए हैं और 1,00,000 रुपये का इनाम रखा गया है जिस कातिल ने इस घटना को अंजाम दिया था। उस कातिल की बात करें तो शातिर की ने इस वारदात को जब अंजाम दिया तभी से वो फरार है। पुलिस की 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इसी बात को लेकर के कैथल पुलिस ने 1,00,000 का इनाम उस अपराधी पर घोषित किया है। लेकिन आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार नेताओं के बयानबाजी सुर्खियों में है। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि कैथल में अपराधों का हब बन गया है। पिछले 6 साल में मुनीस मित्तल हत्याकांड हुआ, वहां पर भी अपराधियों को पकड़ा नहीं गया था और 2 महिलाओं का गला रेत दिया गया। अपराधियों की जो है पकड़ बनती नहीं जा रही अपराधियों पर पुलिस की, इसीलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़े सवाल दागे हैं। इसी बात को लेकर के तमाम नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। आज ही रॉकी मित्तल ने कहा था कि हम इस बात को लेकर के इनके परिजनों के साथ अनिल विज से मिलेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है पुलिस प्रशासन कहाँ अपनी जो है ये लगा रहा है, कयास लगा जा रहा है कि कहां पर सुस्त है। क्योंकि तमाम जनता की बात करें या फिर जो यहां पर संस्थाएं हैं उनकी बात करें, आज भी एक बैठक की गई थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर को एक प्रदर्शन किया जाएगा कैथल के पेवा चौक से सचिवालय तक का प्रदर्शन रहेगा। और इसी बात को लेकर तमाम सामाजिक संस्थाओं की आज बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था। एक बड़ी घटना थी जिसमें एक आरतीवश की पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला कातिल फरार हो जाता है और इतने घंटों तक पकड़ में नहीं आता है। इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन आपको बता दें, अब 1,00,000 रुपए का इनाम उस बदमाश पर रखा गया है। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो जानकारी आप दे सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाए तो डीएसपी विवेक चौधरी ने जानकारी दी है कि 1,00,000 के इनामी बदमाश की जानकारी देने वाले को का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर आपके पास भी है कोई जानकारी तो आप पुलिस को इन नंबरों पर जरूर बताएं, क्या पता वो अपराधी आपके आसपास ही हो। आप भी नजर रखें तमाम पहलुओं पर, आपके आसपास हो सकता है ये अपराधी आपके आसपास हो। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी और हम आपको लगातार दे रहे हैं ये अपडेट इस बारे में कि क्या कुछ चल रहा है मामला। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।